एआईसीसी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश ललोठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि एक बैठक हुई थी जिसमें अनुसूचित जाति के उज्जवल भविष्य को लेकर प्रदेश के अनुसूचित जाति के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। वहीं बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। मांग है कि साथ में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान को बचाने के लिए लड़ती आ रही है। हमारे अनुसूचित विभाग ने और ख़ासतौर पे देहरिया जी ने और रुद्र जी ने बड़े गंभीरता से मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर उन मांगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर 13% आरक्षण अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए। पिछले समय सरकार ने आदेश जारी किया था कि 13% आरक्षण दिया जाए, लेकिन वो कोर्ट से स्टे हो गया था, तो कोर्ट से स्टे वैकेट कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको हम जल्दी वैकेट कराएंगे। हमारा विशेष रूप से सबसे ज़्यादा मांग था कि हमको जो 13% आरक्षण आज डेट में जो राज्य सरकार घोषणा किया था उसको जल्दी से कोर्ट के माध्यम से जल्दी फैसला करवाने के हमको कृपा करें, क्योंकि इस जो पदोन्नति है उसमें भी हमको आरक्षण बराबर हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। बहुत सी मांगे थी, आयोग निगम मंडल में जो पद रिक्त है उसके लिए भी मांग की, तो आदरणीय मुख्यमंत्री